जय श्री राम नमः शिवाय जय राम नमः शिवाय नमो हरि अंतारम नमो सिद्धारम नमो हरि विराणम नमो बंद तत्व की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। समय सारजी में बंद अधिकार में तो जीव बंद का या अबंध स्वभाव है। बंद के काल में बंद से कैसे वेद विज्ञान करके अबंध स्वभाव का अनुभव करना, इसका नाम वहां पर बंद अधिकार है। विस्तार से गाथा वही पढ़ लेना। अभी यहाँ क्या कहना है, थोड़ा सा आश्रव और बंद में करणानुयोग से जो सांप्रायिक आश्रव है, एक दिन बताया था सांप्रायिक, जिससे भविष्य के लिए बंद होता है वो सांप्रायिक। तो जो सांप्रायिक आश्रव है उसमें और बंद में एक समय का अंतर पड़ता है। एक समय का अंतर मतलब पहले आश्रव होता है इसलिए आश्रव, क्योंकि अनेकों ग्रंथ हैं, उनकी टीकाएं हैं, तत्वार्थ सूत्र की बहुत टीकाएं हैं, उनमें आचार्यों ने बहुत प्रश्नोत्तर खड़े किए। आप आश्रय बंध को दो क्यों कहते हो, आश्रय बंध तो एक ही है, दुपकार है। उन्होंने बहुत प्रश्न खड़े किए, आश्रय बंध तो एक ही, आप दो क्यों कहते हो। तो उन्होंने दो बताने के लिए एक अंतर यही डाला है कि एक समय का अंतर, आश्रय का काम अलग है बंध का काम अलग है। समझ में? तो बहुत चर्चा दिमाग में आ रही है, वो आप पढ़ लेना मूल में। तो मुझे तो काम की बात आप ही बतानी है, क्योंकि अपने भाई एक ही पीरियड है अब इसके लिए बंद अधिकार के लिए। शाम को संबंध भेज रहा हूँ, कल मोक्ष। हालांकि आप भी जान रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ, इतने में आपका ही पेट नहीं भरेगा, मेरा भी नहीं भरेगा, लेकिन विस्तार आप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है उसको, वो आप विस्तार कर लो। आइए तो बंद अधिकार में अंतर समझिए। अपने एपिल, एपिल ले लो, रोटी ले लो, कोई भी सामान ले लो, खाने पीने की कोई भी चीज, दूध ले लो, कोई सामान ले लो, मुंह में एंटर हुआ जी आश्रव, और इस आश्रव के बाद उस दूध में से सप्त धातु बनी, ये बंध। आश्रव और उसका जो भी रिएक्शन आया, जो जो भी कुछ हुआ वो बंध। ये सरल दृष्टांत एकदम। आपने डब्बे में से आटा निकाला थाली में, ये आश्रव। अब इसका आपने पूरी बनाना है कि पराठा बनाना है कि हलवा बनाना है कि मीठे भजिया बनाना है, क्या बनाना है, ये उसका बंद। मैं समझाने के लिए स्टाइल है, और तो कुछ ज्यादा खास बात नहीं इसमें। तो अंदर में जैसे, अब दृष्टांत दे रहा हूं, जैसे एक जैसा दूध 10 लोगों ने पिया, एक जैसा आश्रम दिखाई देने पर भी बंद अलग अलग है। किसी को वही दूध दस्ताबर हो गया, किसी को उसी दूध से बहुत पुष्ट हो गया। सब यदि आप नापोगे ना तो सभी की सप्त धातुआ अलग अलग निकलेंगी उसी दूध से बनने वाले। दूध तो वही का वही है, भोजन तो वही का वही है, एक जैसी वायु है, वायु तो एक जैसी है, इसको कहते हैं बिस्तरोपचय, फैली हुई है। अब सभी उसी को सूंघ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। अब किसी को उसी से सर्दी हो गई, किसी को दर्द होने लगा, नाना प्रकार की चेष्टाएं हो गई अलग अलग। तो लोगों ने नियम बना दिया, भैया हवा में मत सोना, हवा में मत जाना, धूप में मत चले जाना, फला नहीं करना। क्यों? एक ही धूप सबके लिए अलग अलग बंद का हेतु है, दुख का हेतु बंद का हेतु है। एक ही वायु सबके लिए अलग अलग हेतु है,
एक ही भोजन सबके लिए अलग अलग हेतु है, ये दृष्टांत है। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करता हूँ, प्रथमान युग से बंद समझाता हूँ, प्रथमान युग से ये चरणान युग से समझा दिया। करणान युग समझाने में मुझे बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए वो मैं नहीं करूंगा, वो आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत चर्चा है उसकी, मेरी तो जिंदगी भी कम पड़ जाएगी, बहुत है उसमें, तो वो आप पढ़ लेना। द्रव्यान युग से मैंने बताई दिया, अबंध स्वरूप है। अब अपन देखे प्रथमान युग से, तो प्रथमान युग में राम लक्ष्मण सीता तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। दिगंबर मुनिराजों को पड़गान में हर्षाति रेख है, तीनों को हर्ष है। उस समय किसी को भी कोई विकार नहीं है, स्थूल रूप से मन वचन काया में कोई विकार नहीं। हे स्वामी, हे स्वामी, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, हे स्वामी, आहार जसद, आज हमारा धन्य भाग्य, ऐसे गदगद हो रहे तीनों। अब प्रश्न है कि तीनों को आश्रम एक सा हो रहा है तो बंद कैसा हो रहा होगा? हालांकि आश्रम में भी अंतर है, लेकिन अपने तो अभी बंद पढ़ाने से बंद क्या है, बोलो क्या हो रहा होगा? कि एक को, एक जीव को नरक जाना है तो उसकी बंदगी जाती अलग, सीता को स्वर्ग जाना है, उसी आहार दान के उसी परिणाम से मन वचन काय के आश्रम से प्रकृति आश्रम लेना है, प्रकृति प्रकृति बंद है तो वैसे। और कमल की बात है, उससे उनकी उनके जो कर्मों का बंद हो रहा है वो स्वर्ग संबंधी हो रहा है, और उसी समय उन्हीं मन वचन काय की चेष्टा से रामचंद्र जी को संवर निजरा भी हो रहा है और स्वर्ग नरक का बंद नहीं हो रहा है। अब मैं पूछता हूँ, सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम किनके हैं? ये रामचंद्र जी के। तो स्वर्ग की आयु किसको बनना चाहिए? बड़ी स्वर्ग की आयु बनना चाहिए जी, क्या कमाल है। सीता जी को स्वर्ग की आयु बन रही है, माने आयु बन गति वगैरह गति ले ली ना, और इनको क्या कमाल है, इन्हें संबंध नहीं रहा, इन्हें स्वर्ग का आश्रम नहीं हो रहा, नरक का भी आश्रम नहीं हो रहा, चार गति का आश्रम नहीं हो रहा, बंद भी नहीं हो रहा। आश्रम से जल्दी समझते कि आश्रम कहते, बंद नहीं हो रहा। करना भी मैंने पढ़ा थोड़ा थोड़ा, इतना रोमांचक है, इतना रोमांचक, मैंने लिख के रखी हुई रोमांच के सारे स्थान। जिन जीवों को स्वर्ग जाना होता हो या मोक्ष जाना होता हो, तो जिस समय उनकी आयु का तिरवाग पड़ता है ना, आयु का तिरवाग, तो खाली चला जाता है अपने आप, ऐसी व्यवस्था है, वो खाली चला जाता है। देखो बात, इसलिए एक नियम है, अत्यंत तीव्र कसाय में आयु बंद नहीं होता और अत्यंत मंद में भी आयु बंद नहीं होता। अब क्या कमाल है, जिनको मोक्ष में जाना है उनको इतनी मंद कसाय होती है आयु बंद ही नहीं होता। अब नरक आयु जिसने बांध रखी हुई, नरक आयु नरक जाना, नरक जाना जिसको, तो उसकी मंद कसाय होगी तो उसे कर्म बांध आयु का होगा ही नहीं जी, ऑटोमेटिक गणित करने से नहीं होगा। स्वर्ग जाने वाले को तीव्र कसाय चल रही हो और उसी समय आयु का तिरवाग पड़ गया, बंद ही नहीं होगा। अब ये कौन करता है, ये सब कौन करता है? अब करना नहीं पढ़ना जी, करना नहीं वो पढ़ने पर मालूम पड़ेगा, सब लिखी है, कब को कौन से परिणाम कैसे कैसे होते, बहुत विस्तार है उसका, तो उसे समझाने बैठेंगे तो मजा तो बहुत आएगा, लेकिन बहुत समय चाहिए उसके लिए। लेकिन हमने एक इशारा कर दिया आपको, जिस व्यक्ति को साता वेदनी का उदय, उदय से समझा रहा हूँ, मजबूरी है सब, साता वेदनी का उदय हो तो वो जो दूध पिया ना उसने, वो हेल्दी हो जाता है, और वही दूध जब वही व्यक्ति पीता है, वही और असाता वेदनी का उदय होता है तो दस लग जाता है। दूध वही का वही है, कंपनी वही, कंपनी मन गाय गाय वही है, सब कुछ वही है, घर में उबालने के बर्तन वगैरह वही है, सब कुछ वही है, बड़ी भक्ति से पिला रही मम्मी या पत्नी दूध, लेकिन तुम्हारे असाता वेदनी का उदय है तो उसका बंद अलग प्रकार का हो, क्या कमा है।
मैं कुछ कहा है समझ में आ गया, वो तो थोड़ी सूक्ष्म बात कह गया इसमें। इसका मतलब तुम्हारे मन वचन कहा है वो प्लान की धरी रह जाती है। कुछ कह गए हम, इससे अकर्ता अधिकार सिद्ध हो गया, कर्ता कर्म अधिकार है ना, समय साझी में, और बंद अधिकार में अबंध है, जिस सिद्ध हो गया भाई। जब इस जीव की योग्यता होती है, आप पढ़ना प्रथमा योग, अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, अभी इतनी मेहनत, तो अभी अपने सम्यक दर्शन में गारंटी नहीं लगती है, अपन सम्यक दर्शन क्या दे, मैंने डाउट से ही रहता है, और फिर नहीं तो मान ही लिया था मिथ्या दृष्टि है इतने दिन पढ़ने पर भी। लेकिन आप प्रथमा योग पढ़ के देखो, अंजन चोर क्या अपन से भी अच्छा था क्या, छान के पानी पी के आया था वो सम्यक दर्शन के लिए, मतलब कैसी परिस्थिति थी अंजन चोर की सब समझ लो आप, एक हिसाब से देखा जाए तो जेल जाने से बचने के लिए बोला था इलाम मुझे दीक्षा दे सकते ये सब मैं दर्शन करा था, मैंने जो भी कुछ करा था नमोकार मंत्र वगैरह जो कुछ करा था उसने वो तो कर तो उसके लिए था, पीछे पीछे आ रहे थे सब, हम बच गया दीक्षा ले ली। लेकिन ऐसे समय में भी क्या कमाल है उस योग्यता का, समय दर्शन लेके पड़ा। शेर के पास ना तो समय साजी का स्वाध्याय था, ना चार अनियों का स्वाध्याय था, कुछ नहीं था, प्लान तक नहीं था, विकल्प तक नहीं था, सोच तक नहीं थी, और बिल्कुल यूजुअल लाइफ जी रहा था बिल्कुल, और हिरण का शिकार किया और फिर खा भी रहा था वो, बाकी तो सब पता ही, कुल्ला करने भी नहीं गया। कई बार मुझे लगता है बचाना चाहिए था ना उसको मांस खाने से, तो सीमंदर भगवान देशना में कहते देखो ये दो मुनिराज जाएंगे लेकिन थोड़ा जल्दी पहुंच जाए तो आज के शिकार से बच जाएगा, आज के मांस खाने से बच जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल से 5 मिनट पहले आ जाती ना, क्या दिक्कत थी, एक हिरण की जान बच जाती। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं तुम्हें बंद अधिकार का ज्ञान नहीं है, बंद अधिकार का ज्ञान नहीं है, उस जीव की आयु से ही मरण हुआ है उसका, आयु छह से उससे ही मरण हुआ है उसका, और वो जिस सब इसको बदला नहीं जा सकता था, ये प्रज्ञा बदली नहीं जा सकती थी, वो ऐसा ही होता, ऐसा ही होना था। देवी धोनी भी घिरी, वे गए भी लेकिन पहले नहीं गए, और बाद में गए तो फिर थोड़ा ऐसे करने लगे, कमांडर से मुंह खोल खुला कर, हालांकि कमांडर नहीं था उनके पास, दोनों महाराज के पास कमंडल नहीं था, कमंडल क्यों नहीं था, कई लोग नए हो तो पता ही नहीं, उन्होंने कमंडल बिना कमंडल के मुनि महाराज होती, लेकिन चार नीतिधारी थे इसलिए कमंडल नहीं होता, उन्हें पीछे कमंडल दोनों ही नहीं होती चार नीतिधारियों में, तो कोई बात नहीं, चलो हमें तो जो कहना है तो कुल्ला तो करके आओ, करना चाहिए कुछ नहीं, कुछ क्या कमाल है, यह है आत्मा का देह से अति भिन्नता, यह है अत्यंत भाव का सिद्धांत। मेरे ख्याल से यदि मैं खा पी रहा हूं तो तुम सम्यक दर्शन कराओ कोई, बट नहीं पकड़ना, मैं भी नहीं कहूंगी कराना, क्योंकि मैं चरणानियों की बात है, चरणानियों को मुझे भी आग्रह है, आपको भी आग्रह है, लेकिन लेकिन अत्यंत भाव है ना, अभी तो उसकी चर्चा चल रही है अत्यंत भाव की प्रति थी, ऐसे नहीं कर, अरे और हम तुम्हें सम्यक दर्शन कराने आए थे, विदेश क्षेत्र की बात बताने आए थे, और तुम 24 से 30 दिन करो जी, क्या कर रहे हो, छोड़ प्रतिज्ञा ले, आज के बाद नहीं खाएगा तो हम सम्यक दर्शन कराएंगे। उन्हें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी योग्यता थी, देखो कमाल, देखो योग्यता, मैंने द्रवलिंगी महाराज फुल सावधानी रख रहे हैं और योग्यता नहीं सम्यक दर्शन होने की, अर्थात वो अमुक प्रकार के बंद रोकने की, क्यों समझो, अमुक प्रकार के बंद हो ही रहे ना उनको, अनंतानी बंदी आदि उसका बंद हो ही रहा है। अब पता द्रवलिंगी महाराज का मन वचन कहा है कि पूरी प्लानिंग का क्या हुआ, कुछ समझो, बहुत काम की बात है, दिगंबर जैन समाज इतना पॉइंट समझ जाए ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो झगड़ा है ना बहुत बड़ा झगड़ा, समय का सम्मत होने आचरण तो पालो, फला तो करो, जे तो करो, वो तो करो, उससे समय दर्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, करो, मैं भी कहता हूँ करो, मैं भी कहता हूँ करो, लेकिन उससे संबंध जिनका संबंध नहीं, उससे गारंटी नहीं है, चरणानियोग प्रेसर के साथ कहेगा करो,
लेकिन द्रव्यानि नहीं कहेगा प्रेसर के साथ, करणानि प्रेसर के साथ नहीं कहेगा। करणानि साफ साफ कह रहा कि द्रव्यानि द्रव्य लिंगी महिराज को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब मैं उल्टा नहीं समझना और समझोगे भी नहीं, अगर योग्यता होगी तो समझोगे हम क्या कह रहे हैं। फिर भी मैं सावधानी पूर्वक सुना रहा हूं, मैंने पूरी सावधानी पूर्वक कि भाई ये बंध का स्वरूप है, योग्यता का स्वरूप है। कल रात को योग्यता पढ़ा दी थी आपको, योग्यता नियामक कारण। अब योग्यता बंध की है तो होता ही है। सन 94-95 की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से, लगभग 94-95-96 है, 94-95 की लगभग बात। कुंडलपुर में आचार्य जी का चातुर्मास था, कुंडलपुर उस समय की बात। तो हम लोग भी संडे के दिन भोपाल से गए थे सब लोग, संडे के दिन उनका प्रवचन होता है, बाकी तो होता नहीं, रोज संडे को होता है तो उनका दोपहर का प्रवचन। उस समय जगन मोहन लाल जी भी थे, मुझे याद है जगन मोहन लाल जी विराजते थे। तो आचार्य सिंह ने एक प्रश्न खड़ा किया था जिसका समाधान उन्हें नहीं मिल रहा था, और ये इसी संबंधित था, इसलिए मैं वो लिंक कर रहा हूँ इसको, इसी संबंधित था। सब लोग सुनना, क्वेश्चन बहुत सुनने जैसा है कि इस समय हम दिगंबर मुनिराज हैं, हम स्वप्न में भी स्त्री की कामना नहीं करते, उनमें सुबुद्धि भी नहीं करते, और हम मर्यादा पास के कोई गलत नहीं करते, और फिर भी क्या चंबा है बंध का कि हम यहाँ से स्वर्ग जाएंगे और इतनी इतनी देवियां मिलेंगी, अमुक अमुक जितने जितना होती मिलेंगी। तो जी कौन से आसक का फल है, कौन सी उसका फल है, उनकी समझ में नहीं बैठ रही थी बात। इतना उनको लग रहा था कॉन्ट्रोडिक्टरी है, यहाँ तो हम ब्रह्मचारी हैं और वहां हमें स्त्रियां मिल जाएंगी, प्रश्न है नहीं। तो ये प्रश्न उन्होंने खड़ा किया था उस समय, और सब विराजमान थे, नाम भी लिया उन्होंने जगन मोहन लाल जी, वहां विराजमान थे उस समय। 96 के लगभग उनकी समाधि हुई है, उस समय तो पहले की बात है, 94-95 की। तो मैं मुझे तो उस दिन में बैठा था, मुझे बड़ा रोमांच हुआ। पहले तो मुझे भी जिज्ञासा है, प्रश्न तो सही है बिल्कुल, मुझे बड़ा, लेकिन मैंने उसी दिन चर्चा की, हमारे जो साथी लोग थे भोपाल के, मैंने उस समय चर्चा की। इससे सिद्ध होता है कि मन वचन काय और प्लान में कुछ नहीं है, अंतर में योग्यता पड़ी है, तो अमुक अमुक जाति के योगों का प्रवर्तन होता रहता है। तुम ऊपर से ब्रह्मचर्य ले ले, अंदर के परिणाम का क्या करोगे, ऊपर से मुनि बन जाओ लेकिन उसका क्या करोगे। निदान बंद आदि हुए ना, मुनिराज को निदान बंद आदि हुए, क्या कमाल है, उसी समय योग्यता पड़ी थी, उसी समय नौकर मिल गया, उसी समय निदान बंद हो गया। यदि तुम्हारे भवांतर है तो एक पॉइंट और बोलू, भवांतर है तो बंद होगा, एक कह रहे। अब एक और अच्छी बात कह रहा हूँ, अच्छी बात मजेदार है सब बात, मैं इससे बहुत रोमांचित हुआ, इस चर्चा से बहुत प्रसन्न हुआ मैं। ओ अब समझ में आया कि ब्रह्मचर्य लेने पर भी मशीन नहीं है जो अब्रह्म के भाव बंद हो जाए। बुद्धिपूर्वक चेष्टा नहीं करो, शरणानी केवल इतना कहेगा सील की नौबाड़ पालो, फिर भी मन में कुछ आ जाए तो गुरु से ट्रांसपेरेंट रहो, इतना तुम्हारी ड्यूटी है, बाकी रोका नहीं जा सकता। और नहीं तो मैंने फिर अध्ययन किया भगवती आराधना में, समाधि करने वाले मुनिराज को भी आप उपदेश सुनो, क्या उपदेश दिया समाधि करने भगवती आराधना में, एवो सब इसका कहना में ज्ञानारण्यम में मुनिराज को संबोधन कर रहे हैं ज्ञानारण्यम, और 5 अध्याय लिखे हैं ब्रह्मचर्य संबंधी, 5 पाप में से 4 पाप के एक चैप्टर, और कुशील नाम के पाप से बचाने के लिए 5 चैप्टर ज्ञानारण्यम में। ये स्टडी करने के बाद मजा आया एकदम कि अब हमारा बुद्धि पूर्वक का जो काम था सो किया, अब थवा योग था उसमें डिप्रेशन नहीं करना, ये मजा आया। अब डॉक्टर साहब जो प्रकरण खोलते इस विषय को मैं उसको बताता हूँ, क्रमबद्ध पर्याय में मालूम क्या कहा है, तुम जी कभी डिप्रेशन नहीं करना कि ऐसे परिणाम क्यों हुए, और यहाँ सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जी बंद मुझे नहीं करना, जी बंद करना, जी नहीं करना, धोखे में हो। 3 काल का बंद फिक्स है, कुछ समझे मैंने क्या कहा, क्रिया और मति अनुसार गति नहीं है, गति अनुसार मति है, नहीं समझ में। आपको 3 काल की सारी पर्याय खचित है, जहाँ जाना वहीं का बंद होगा, हम खराब कर रहे हैं इसलिए खराब बंद होगा ऐसा नहीं है,
उल्टा नहीं पकड़ना। आज ये बंद अधिकार पढ़ाना बड़ा कठिन पड़ता है। आप स्वच्छंद हो जाएंगे, नहीं होगे स्वच्छंद, नहीं होगे। यदि ऐसा हो तो आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिलाना नहीं चाहिए थी। उन्हें तो पता था मेरी दिव्य ध्वनि सुनेंगे कौन, मारी जी, और स्वच्छंद हो जाएगा। तो आदिनाथ भगवान दिव्य ध्वनि नहीं खिलानी चाहिए थी। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, जो सुनेगा तो ये सोचेगा मैं 24 में क्यों जाऊँ, मैं अभी जाऊंगा, जब सोचेगा उल्टा और फिर हमारी वजह से गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी दिव्य ध्वनि खिलानी नहीं चाहिए जिससे वो स्वच्छंद हो जाए। क्या करना चाहिए अरविंद बताओ? तो आदिनाथ भगवान को दिव्य ध्वनि नहीं खिलानी चाहिए राहुल, बोलो। फिर मारी जी ने सुनी और फिर वो भ्रष्ट हो गया, 24वें नंबर पे गया। कौन की गलती थी इसमें? इससे शिक्षा मिली, निमित निर्दोष होते हैं। हमने तुमसे क्या कहा था? हमने अपना कर्तव्य कर लिया, तुम्हारी तुम जाना, तुम्हारी योग्यता तुम जाना। हमने अपना कर्तव्य कर लिया, हमारा राग है, हम बता रहे हैं छठी। हम नहीं चाहते किसी को अपरा बनाए, है उस जाति का राग, हम कह दे रहे छठी हो गई, क्या करेंगे बताओ? ये योग तो है, कोई करता धरता नहीं है। जहां जाना है वही जाएगा, कहां बैठा क्या कमाल है, उधर बैठा हुआ खराब जगह बैठा हुआ जीव। मेरे कई बार ऐसा लगता है आप मेरे प्रोफेशन को बुरा नहीं मानना, क्या करूं, कहना नहीं चाहिए सब बातें, लेकिन फिर भी कहूंगा मैं। उन्हें यदि आप मेरे से पुराणों पर डिस्कशन करोगे ना, तो मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो कहां पड़ा हुआ था वो फटाफट से मिल जाए। गौतम स्वामी क्या है, कहां पड़े थे और कहां योग्यता थी, तो कौन सा समय सार पड़ा था, कौन सा नियम सार पड़ा था, कौन सी सार पड़ी थी, क्या पड़ा था। लेकिन इससे मुझे कुछ कहना है। आप चाहो तो स्वच्छंद भी हो सकते हो। तो पंडित जी हम चार जैसे रहे, बे लोग जल्दी तर जाती है। हम चार जैसे पाप करें, उल्टे सीधे करें, बहुत जल्दी तर जाएंगे। जे धोखे में मत रहे ना, ये तो जिनकी घटना घटी हम उनकी सुना रहे। मैंने एक दिन बताया था, समुद्र की एक सुई की नौ पड़ी पानी आ गया ना, अभी 3 ताल के सिद्ध उसके अनंत में बाहर गया, असंख्या में बाहर गया। वो धोखे में मत रहे ना, ये हम चाहे जैसे प्रवर्तेंगे तो हमारी योग्यता जल्दी आ जाएगी। ये मत सोच ना, जब अच्छे प्रवर्तन से योग्यता नहीं आती तो बुरे प्रवर्तन से कैसे आ जाएगी। शिष्टाचार ग्रहण नहीं करना, और करोगे भी नहीं फिर क्या करोगे भी नहीं, कर सकते हैं नहीं, क्यों कि तुम्हारी यदि गति खराब हो नहीं होगी तो करोगे, हम क्या करें, हम तो खुद होंगे ताली बजाएंगे, ओके लेट आना, लेकिन आओगे तो भाई नहीं आओगे तो हम अपने केवल ज्ञान में देखेंगे बेटा रखड़ रहे हो। मैंने वो स्वच्छता का भी भय नहीं कर रहे। अब तो उल्टा नहीं, कई लोगों नहीं बच रही हो नहीं, ऐसी बात है थोड़ी सी, कैसी बातें कर रहे हो। अरे लेकिन बंद अधिकार है ही ऐसा, हम कह रहे हैं क्या, इसलिए तो हमने कहा था बंद की ज्यादा कोई चर्चा करते ही नहीं। अभी तो मुझे बहुत सारी बातें कहने बंद। एक बात तो समझ आ गई ना भाई, 3 काल की बंद फिक्स है, गति फिक्स है, उदय फिक्स है, परिणाम फिक्स है, मन वचन का फिक्स है, सब फिक्स है। तुम तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हो, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा ना। इतना अच्छा आचरण करने के बावजूद भी तो उल्टा नहीं करने के, इतना अच्छा आचरण करने के बाद भी अब जाना तो जाना, अब क्या करें। चरणानियों की शैली अलग है, कर्णानियों की शैली अलग है, प्रतिमानियों की शैली अलग है, मेल तो बिठाना पड़ेगा। तो पंडित जी हमारे परिणाम बिगड़ जाए तो, हालांकि इसकी चर्चा में जब जब भी यहाँ आया हूँ कभी भी ऐसा नहीं जब नहीं किया उसका जवाब, फिर भी याद दिला दे रहे। तुम यदि मन वचन का आएगा देखते हो तो परिणाम सदा बिगड़े, और मन वचन का आएगा चाहे जैसा परिणाम होता हो और तुम ज्ञाय को देखते हो तो परिणाम सदा सुधरा है। इतना शॉर्ट में जवाब दे दिया आपको। परिणाम किसका नाम है, मन वचन का आएगी और देख के कहोगे तो फिर सोचा तो जाएंगे, अरे कैसे हो जाओगे, मुंह की जगह नाक में से खाने लगोगे, क्यों नाक भी तुम्हारी मुंह भी तुम्हारा, दो ही जाते तो वही है, क्या करोगे बोला। यदि हम कहते मुंह और नाक दोनों पेट में ही जाते तो क्या करोगे, अगर स्वच्छंद तो जाएंगे, हो जाओ स्वच्छंद, नाक में से खा, चलो रोटी यहीं से खा लेना, पानी यहां से डाल लेना,
क्या करोगे? तो बंदे समझ में आ रहे थोड़ा, नहीं समझ में आया तो भाई पूछ लेना। देखो मैं इसलिए इसको ज्यादा लेना हिम्मत नहीं कर पाता हूँ, मैं मुझे पता इसमें ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन आप लोग जितने जितने क्लू मिले उतने क्लू से चर्चा कर रहे, इसलिए फायदा हुआ कि अन्य मतावलंबियों से भी नफरत करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षमता निकाली हमने, अन्य चोर से नफरत मत करो, गौतम स्वामी से नफरत मत करो, फला फला से नफरत मत करो, हर जीव को हो सकता है तुमसे पहले चले जाए। शांतिनाथ भगवान का जी 12 भाव पहले बहुत अच्छे आचरण वाले थे, बहुत अच्छे आचरण वाले, बहुत ही अच्छे थे, और उन्हें ऐसा लगता था बेटा भगवान बनो, बेटा भगवान बनो, तुमके दो बेटे और बड़ी बड़ा राग था बेटा भगवान बनो अच्छे अच्छे, और गलत काम नहीं करा, उन्हें सुधारने के चक्कर में ऐसा लगता था जी बेचारे ऐसा उसी सेवन करेंगे, चपरासन की मोड़ी से ब्याह करेंगे तो कहा ये लोग कहाँ जाएंगे जी, इनकी कितनी इंसल्ट होगी, नाना प्रकार की कितनी से बहुत सोचा मैंने, इतनी सोचा कि उनके मोक्ष मार्ग की चिंता में स्वयं ने जिया खा के मर गए। दो बच्चे जो बिगड़े थे ना, जिनकी तुम्हारी नजर में बिगड़े थे, आवारा था तुम्हारी नजरों में तो बिगड़े थे ना, भी इतना दिल दे बैठे थे वो लड़कियों के ऊपर, चपरासन की नौकरानी की सर्वेंट की, तो उस पर इतना परिणाम थे कि नहीं हम तो इससे ही करेंगे। सुबह हुई डेड बॉडी देखी तो एकदम क्यों ऐसा क्यों किया पिताजी ने, आत्महत्या क्यों कर ली माता पिता ने, तो बताया लेटर लिख गए थे, कौन सा लेटर लिखा थे, कौन सा लेटर लिख जाते हो, सुसाइड लेटर नोट, सुसाइड नोट रखा नोट पढ़ा और दिखा रहे ऐसे भोग जिनके चक्कर में हमारे माता पिता ने देश छोड़ दी, और उसी दिन दीक्षा ले ली, मोक्ष चले गए। इस कहानी ने मुझे सिखाया मैं कभी चिंता नहीं करूंगा, इसलिए मुझे चिंता ही नहीं, पूछ लो ये मेरे संग रहते हैं, कभी चिंता नहीं करी भाइयों की, भतीजों की, मम्मी की, पिताजी की फला की, सामने आओगे कह देंगे, प्रवचन सुनोगे प्रवचन कह देंगे, जो कहना है प्रवचन कह देंगे, अलग से भी कुछ नहीं। कई बार हमारे घर वाले क्या सोचते हैं, अपन स्पेशल प्रवचन सुने अलग से बैठ जाएंगे, हमें कहा चुका मंदिर में कहीं से नहीं नहीं, बहुत कॉमन बात है स्पेशल का, हम स्पेशल कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम जो कहना है प्रवचन में कहना है वहीं कहेंगे, हम अलग से कुछ नहीं हमारे पास। फिर लगता है ना थोड़ा चर्चा की थी, चर्चा की थी, चर्चा की थी, उन्हें चर्चा में यह बताया था, ये बताया, अरे कुछ नहीं बताया मैंने पिताजी को, भरी सभा में समाधि की तैयारी करा मैंने, जो भी कहना मैंने भरी सभा में कहना। कई बार हमारी बहुए थोड़ी ऐसे, अब घर में सब घर की बात, मंदिर में तो मत बताएगा, सब महिलाएं हमें देखती है। मैंने कहा भाई देखो हम हमारी कमजोरी समझ लो चाहे ऐसा ही समझ लो, हम जी समझते तुम्हारी अकेली तकलीफ नहीं, वो सबकी है, हम सबको कहते थे सबको सुधरना चाहिए, अब जिनकी योग्यता होती है सुधर जाती है, जिनकी योग्यता नहीं होती बस सुधर, अरे हम कहेंगे भाई अलग से हमारे पास कोई पार्ट नहीं, अलग में बहुत तकलीफ है। किसी से नफरत मत करो, अजयन से ही मत करो, किसी से ही मत करो, तुमसे पहले चला जाए, और अपने घर वालों की चिंता नहीं करो कब सुधरेंगे कब सुधरेंगे, समझ गया कैसे? भारतीय कल्चर में और जैन कल्चर में प्राय करके मिथ्या दृष्टि महिलाओं को अपने पति की बड़ी चिंता होती है, पति को भी होती है, मतलब मिथ्या दृष्टि कल्चर है ना, मतलब यदि पति धर्मात्मा हो तो ऐसा ही लगता है मेरी पत्नी लग जाए पंडित जी, और कुछ नहीं बस ये लग जाए। कितने लोग अलग से आते मेरे पास, पंडित जी दो मिनट बात करना है हमें विद फैमिली, तो मैंने क्या बात करना है, पंडित जी इन्हें समझाओ, पत्नी आती तो पति को समझाने के लिए आती है, और पत्नी पति हो तो पत्नी को समझाने के लिए आता है, और दो ही आए तो बच्चों के लिए समझाने, पंडित जी इनसे कह रहे जी वीडियो गेम नहीं खेल, ये सम्यक दर्शन ले ले, मतलब सम्यक दर्शन की तो वैसे कोई कहा नहीं है, लेकिन वो कोई जो बिगड़ते सुधरते हैं उतना ही कहना क्या, तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं भैया तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हें केवल हम दो हमारे दो की चिंता है बस, बाकी जाए भाड़ में, जान उसकी बोलती है भाड़ में, मतलब कभी ऐसा नहीं आया हो, कोई बहुत कम बच्चे आते हैं लाखों में एक आध कि हमारे पिताजी के परिणाम सुधर जाए, गति नहीं, गति तो सुधरेगी जब परिणाम सुधरेंगे,
हमें तो इनके स्वाध्याय की चिंता है, इनके संयम की चिंता है, इनके सम्यक की चिंता है। हमारे पिताजी को आकुलता नहीं, वो उतनी सेवा करने तैयार। एक सोनी है, सोनी उदयपुर में अपने प्रवचनों में आता था सोनी, उसके पिताजी को कोमा जैसी, कोमा में है ऐसा कुछ समझ लो, ऐसी हालत है। 3 लाख रुपए प्रति महीना खर्च कर रहा है, करीब कितने खर्च हुआ, 1.5-2 साल हुए, 3-4 लाख रुपए पर मंथ खर्च कर रहा है। हमसे पूछा था कि हमारे पिताजी ने से क्या किया हुआ जिससे उनकी ऐसी दशा, ऐसे नहीं कि अब कोई चाहे ना तो जुगाड़ लगा के निपटा दी, चुपचाप वही तो देना है, कोमा में तो पड़े ही, हमें है क्या, पैसा खर्च कर रहा है, सेवा कर रहा है, व्यवस्था हमें लेने ले जाके दिखाया भी बढ़िया से कर। बोले हम क्या करें, आप कल्पना नहीं कर सकते, हमने भरी सभा में भी प्रवचन किया उस बात पर और उससे भी कहा, मैंने तुम गलत पैसा कमाओगे तो ऐसे ही जाएगा, तुमने गलत पैसा कमाया होगा, बिजी लगता है वो पैसा कमाना, सोना गाड़ना, ऐसा करना वैसे करना, ये करना वो करना, बड़ा इजी लगता है वो। और उसी का एक भतीजा है, उड़ाओ भतीजा, पिताजी है नहीं उसके, मैंने उसका भाई नहीं है, भतीजा और उसकी पत्नी, वो ही लगता है अपने घर में, खिलाता पिलाता है, अपनी दुकान पे बैठा था, वो सोना चुरा के चला जाता है, अय्यासी कर रहा है। मैंने वो नहीं सुधरेगा, तुम उसे सुधारने की कोशिश मत करो, मुझसे कहा इसे सुधार दो आप, बता दे, मैंने तुम गलत पैसा आएगा तो आपको सफल नहीं होगा, वो बच्चा कभी नहीं समझ लेगा, तुम तो एक काम करो सुधारना हो सर, तो उससे ये कहो बेटा ले जाओ अंगूठी ले जाओ, आएगी पापा बड़े पापा वही दारू पीने, तो सोचेगा वो अरे जी क्या कर रहे, जब चोरी करता है ना आदमी तो उससे उसे रोकोगे तो और नए तरीके से चोरी करेगा। आगे कहो और बेटा दारू पीना अच्छी है, चल बेटा अपन दो ही चलते हैं आज, गाड़ी बिठा के ले जा भाई और फिर मंगा, देखो उसकी हिम्मत, उसे पिलाओ और तुम पियो, पियो मतलब समझने समझने की चाहिए, तो फिर देखो उसके परिणाम बदलेंगे। आदमी गलत तब लगता है जब सामने वाला कोई करता हुआ दिखता है, खुद करने पर गलत नहीं लगता, मैंने एक साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट है, अब आपके हिसाब से सब उल्टे उल्टे प्रवचन है सर, लेकिन उसे प्रतिज्ञा करें आज क्या तुम गलत बिजनेस नहीं करेंगे, और अपने उस भतीजे को डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, प्रेम से ही अपनाएंगे उसे, घृणा करने से कोई नहीं अपनाया जाता, बहुत सारे चेंज आए उसमें, मैं नहीं समझता हूं उदयपुर में कितने लोगों में क्या चेंज आया, लेकिन वो सोनी में बहुत चेंज आया। मैं वजह तो आप सबसे केवल इतना ही कहना है, हम तो हमारे दो की चिंता करने वाली मोक्ष नहीं जाते, बहुत सरल है, एक डायलॉग दे देना, अपना लोटा छानो, दुनिया की अपने कोई मतलब नहीं, अपना लोटा छानो, बहुत गंदी सोच है, कभी समय का समझो मोक्ष क्या ऐसे थोड़ी मिल जाता है, अपना लोटा छानो, मैंने एक क्रूरता की भाषा है, वहां की सब मरे, नहीं बेटे हम भी अभ्रम नहीं करेंगे, तुम भी अभ्रम नहीं करना, हमें तुम्हारे साथ चिंता नहीं करना, पढ़ो लिखो सुनो देखो समझो, 3 लोग में कोई अभ्रम नहीं करना, मैं तो भरी सभा में घोषणा कर रही थी, तकलीफ हो रहा हमें लेख दे रहे सबको, बच्चों को पढ़ा रहे, हमने अपने भतीजों को लेख दिए, पढ़ो बेटा ये जानकारी, मोबाइल दे और इंटरनेट दे और दुनिया के दोस्त देंगे ना, उसे पहले तो हमसे दे, हम समझाए तुम्हें, इतनी चौड़ी छाती चाहिए पड़ेगी, ऐसे नहीं हो जी, हमारा है जी पर आए, तुम्हारा बच्चा भी हमें उतना ही अपना लगता है और वो बच्चा भी अपने इतना ही लगता है, हमारा कोई नहीं है, हमारे जितने मोक्ष मार्गी सब हमारे, और जितने मोक्ष मार्गी नहीं है मेरे संसार में रहेंगे आनंद काल, उनके प्रति माध्यस्थ, क्या कह गए, 2 भाग में बांट दिए सारे जीवों को, है तो 4 वो तो बाकी के हैं, लेकिन जिस 2 में बांट दिया, जितने मोक्ष हमारे हैं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, बीमारी में, भूख में, सुख में, दुख में हम करेंगे, चिंता नहीं करना, ये हमारा सौभाग्य है, आई बात समझ में आई, इतनी उदार चिंतन होता है। अब लोग क्या करते, क्रियाएं तो सुधारते हैं, उसी अभिप्राय नहीं सुधारते, सुनो
किसी भी कीमत पर माता पिता का तिरस्कार, माता पिता की उपेक्षा, माता पिता की समाधि नहीं कराने का भाव सम्यक दर्शन नहीं लेने देंगे। जे नाटक नौटंकी नहीं चलेगी, क्या करे वो पत्नी नहीं मानती, और पंडित जी क्या करे वो ही मम्मी ऐसी ही ऐसी ही ऐसी अब ऐसी है, और जब तुमने 100 बार गलती करी थी तब 100 बार नुकसान किया था तब, सच में एक बच्चे के लिए पापा से मम्मी कितनी डांट खाती होगी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। बच्चे गलती करते हैं और बच्चे से कुछ नहीं कह पाते, तो बचपन से लेकर कह रहा हूँ बचपन से, मेरी बहन थी एक्सपायर हुई थी, वो रोती थी तो पिताजी भोजन नहीं करते गुस्से में, घर आती थी तो जी कहते थे पहले चुप करके रखा करो, इसे दूध पिलाना दूध पिलाओ, खिलाना खिलाओ, जैसे वो सुनाना वो सुनाओ, जो करने करो। मैंने मम्मी को रोज की चिंता थी कि अभी भोजन करने आएंगे जो रोए ना, अब रसोई भी गर्म करके खिलाना है, रोटी उतार उतार के घर, और उस समय घर में तो कोई था नहीं हुआ, और बच्ची छोड़ो तो रोए पिताजी इतना गुस्सा, मैंने उसको एक एक दिन का रोने पर मम्मी को इतना सुनना पड़ा। अब 6 भाई बहन थे, सोचो कहा भाई हुई है, अब भैया लोग का वो मम्मी है ही ऐसी, एडजस्ट करना चाहिए, क्या शुद्ध खान पान क्या छना पानी, यहां से देख एक कुंदा है कुंदा है मैंने तुम्हारे लिए कितना बर्दाश्त किया होगा एक एक गलती पर, तुमने तो 500 रुपए का नोट फाड़ दिया, पिताजी चिल्लाए तो मम्मी भी चिल्लाए, तुमने तो फोड़ तोड़ फोड़ कर दी मम्मी पे चिल्लाए, तुम सुधारती नहीं हो, तुम देख के नहीं रखती, संभालती नहीं हो, क्योंकि सारी ड्यूटी अम्मा की है, बाप की तो कछु है नहीं। और जरा से पत्नी की बात है, जरा से बच्चों, जरा से पैसा खर्च करना पड़े, 10-5 साल यदि बीमार माँ बाप पड़े हो बिस्तर पर, क्या सोचोगे बोलो, सोचो क्या सोचोगे। मैं सुना तुम सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन पोबा भाई का राज नहीं है, हे साहब 1 मिनट में इधर कर देते, 1 मिनट इधर कर देते, कर नहीं देते, हम संभालते हैं लड़को मत बैलेंस खड़े रहो, जहाँ यहाँ ज्यादा झुकोगे तो फिर यहाँ की कहेंगे, तो यहाँ मत झुको, यहाँ झुकोगे तो फिर देंगे इधर से। सियादवाद इसी का ही नाम है, भ्रष्ट होने का नाम सियादवाद नहीं है, और भ्रष्टाचार का पोषण नहीं है सियादवाद में, 1 सेकंड में हम वो बात भी कह रहे, तो ये भी तो कह रहे ना कि अपने स्त्री पुत्र आदि माता पिता और जितने भी और लोग हैं इनसे नफरत भी नहीं करना, चाहे जितना अपराध करें तो भी नहीं करना, क्या एक समय भी योग्यता पलटेगी और काम हो जाएगा उनके मामले में, अपने मामले में बुद्धि पूर्वक सावधानी रखना। पंडित साहब की बहुत सुंदर बात कह, अपना उदय कोई अपना अपमान करे कोई अपना बुरा करे तो इसमें अपने उदय का विचार करके समता रखना, और हम यदि किसी के बुरा करने की सोचे तो उसमें अपना अपराध समझना, उसमें अपना दोष समझना, अरे हाँ हम उनके बुरा सह रहे उनका बुरा सोच रहे जी, अपना अब जी गणित है भाई सम्यक दर्शन के, लोग पूछे सम्यक दर्शन के लिए केवल आत्मा बता दे और जी अनैतिकता पे चोट मत करो, झूठी बात, अनैतिक व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होता। इस मामले में बाबूजी प्रसिद्ध रहे, बहुत कम लोग, एक स्वामी जी एक बाबूजी और एक हमारे पंडित साहब, 3 व्यक्तियों को तो मैं अच्छे से जानता हूं कि जो अनैतिकता को इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक वो है ना आत्म शोधन है क्या है ऐसा कोई एक शोधन है ना कोई आत्म शोधन ऐसे नाम है अंतर शोधन, अंतर शोधन, वो अंतर शोधन में पंडित साहब ने पढ़ाया, देखो स्वामी जी की बोल, अंतर शोधन में पंडित साहब का स्वामी जी का बोल पढ़ाया, स्वामी जी प्रवचन करते हुए बोले रत्नत्रय श्रृंगार की भांति है, नैतिकता वस्त्र की भांति है, ऐसा लिखा है। तो अब मैं समझाता हूं आपको, स्वामी जी तो कुछ नहीं है, कल्पना करो एक नंगा आदमी को गहने पहने हुए कैसा लगेगा, कुंडल गले में कमर में बाजू बंद हाथ ये सब सब पहने हुए कैसा लगेगा नंगा आदमी, ऐसे रत्नत्रय का श्रृंगार और नैतिकता के वस्त्र होने चाहिए। यदि अनैतिकता है जीवन में कुशील है ऐसे जो जो मैं बताया ना उपकारी का उपकार नहीं मानते, माता पिता का उपकार है उपकारी का उपकार मानो, गुरुजनों का उपकार मानो, मर बच करके मानो, हम आए भी कल के काल में होंगे हम फंस जाएंगे कितना आश्रम बंद होगा, चुप तुम्हें मालूम है आश्रम बंद होगा, गुरु को नहीं मालूम,
गुरु को नहीं मालूम आश्रव बंद है, तुम्हें पता है सर। माता पिता की सेवा में 10 साल लग जाए और एक दिन भी स्वाध्याय नहीं कर पा और पूजा नहीं कर पा, तो अभी तुम्हें संपूर्ण फल मिलने वाला है। समाधि कराना क्या लिखा पता है, 1 घंटा छपक की सेवा में रहना 1000 ग्रंथों का सहारा है। 1000 1 घंटे में इतना बड़ा स्वाध्याय हो गया, करके तो देखो। आई बात समझ आई, किताबों से उतना ज्ञान नहीं होता जितना प्रैक्टिकल देखने से ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल सुनने से ज्ञान होता है। देखो ये बॉडी, हड्डियां ढांचा जैसा पड़ा होगा, मलमूत्र होगा, नग्न पड़े होंगे, ऐसी वैसी दशा होगी, सफाई करोगे तुम्हें घृणा रही है। घृणा करो उन आश्रम बंद से जिनकी वजह से होता आया है, तुम्हारा भी ऐसे ही आएगा। जैसी उपेक्षा करो फिर तुम्हें उपेक्षा मिलेगी, सोच लेना जरा। देखो क्या सो क्या भोग का, देखो ये साथ जवानी थी तो कैसे इतराती थी, देखो आज। एक मुसलमान की कविता है, कविता क्या पूरी कब्बाली, कब्बाली माने अपने भजन कहते हैं, उनके कब्बाली कहते हैं, भजन का उर्दू नाम है कब्बाली। तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है, मुझे तो संयोग से सुनने को मिली थी, तो सुनने को भी कहा 26 जनवरी के दिन गाने को मिली थी, कोरस होता ना कोरस, हम कोरस में थे तो गाई थी, तो इसलिए उसकी पंक्तियां बहुत याद है, जिनकी एक एक कब्बाली सुनी पड़ी ढंग से और याद की थी उसको बोलने के लिए। तो उसमें एक, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। कहा समझते मट्टी में पड़ेगी, कल जो सन के चलते थे सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। जमीन जेवर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। मैं बहुत बेरा कही है पूरा बेरा कायू कह, बेरा तो जहां से होता है वहां से तो द्वेष ही होता है बेचारे, हताशा का नाम है वो, बेरा नहीं है, बेरा तो जहां होता है सच्चा। सोचो सेवा का अवसर मिल जाए, मां बाप समझो संपूर्ण सटावट से गए उसमें, अपने ऐसा लगता है नहीं 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 अब इनकी वजह से हमारी स्वाध्याय नहीं हो पा रही, इनकी वजह से प्रभाव नहीं हो पा रही, इनकी वजह से हम कुछ कर सकते थे कुछ नहीं कर पा रहे, अब हम 70-80 के हो जाएंगे इनके चक्कर में, ए भगवान जी चले जाए तो हमारे बेरी हुए। तो तुम्हारे बेटा बाबू भी यही कहेंगे, तुम्हारे बेटा बाबू जी कहे तुम चले जाओ तो हम बेरी हो जाए, और नहीं तो ओल्ड एज में डाल देंगे, ओल्ड एज होम में रहो जा। बहुत आसान है दूसरों के साथ, अपने साथ सोचो। आगे बात समझ में आ गई, बंद अधिकार है, ऐसा ऐसा नहीं है, मैंने इतना सारे पॉइंट बता रहे, आजादी के ही बता रहे, ये भी बता रहे पूरे, इतना समझ में आ गई। अब थोड़ा वो एक कठिन टॉपिक ऐसी भाई, बंद अधिकार प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। अब जी समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसके बारे में कहीं सीधा लिखा तो नहीं मिलता ना, अब उसका तो अपन भाव से ही बताने की कोशिश करेंगे। करना नहीं हमें एक देखो मजबूरी है, करना नियोग से ही भावबंध समझाएंगे, भावबंध का सीधा सीधा नहीं दिखाया जा सकता, हम कोई परिणाम नहीं बता सकते। भावबंध जिससे होता है ना, भावबंध थोड़ा कठिन चक्कर इसलिए हो जाता है वो, अब हम द्रव बंध से समझाएंगे उसको। तो ये 4 भेद होते हैं ना ये करना नियोग में है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव। अब इनके उदय में आपको शरीर और जो कसाएं और ये बैरम कसाएं मिलती है। तो जिनवाणी में एक भाव कर्म अकेले की चर्चा नहीं की, मैंने भाव बंध अकेले की चर्चा नहीं की, द्रव बंध की भी चर्चा की और उदय में नौ कर्म की भी चर्चा की, भाव कर्म, द्रव कर्म, नौ कर्म, ये 3 कर्म की चर्चा की। फिर से बोलू, भाव कर्म अकेले की चर्चा नहीं करी बंध के नाम पर, तो द्रव कर्म की भी चर्चा करी, क्योंकि इसका तो पता लगता नहीं, इससे थोड़ा आइडिया होगा आपको, लेकिन इसका आइडिया भी होने हुए जो सांस पड़ेंगे, ये दो का पता तो लगता ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मुकाबला पूरे वर्ल्ड का होता है 9 कर्म से, सबसे ज्यादा मुकाबला होता है 9 कर्म से। और तब ये आदमी और औरतें रो रो के कहते हैं हमने कौन से कर्म करे, ऐसे पति मिले, ऐसी पत्नी मिली, ऐसे शरीर मिला, ऐसे दुखी मिले, ऐसे दर्द मिला, ऐसी गरीबी मिली, 24 घंटा
हमने कहा पाप करी जी, जी है ना जी, जी नौ कर्म से द्रव कर्म का आइडिया होता है और द्रव कर्म से भाव कर्म माने भाव बंध का आइडिया होता है बराबर। और इसलिए अपन कहते नहीं बहुत पुण्य किया था बेटे तुमने, बहुत पुण्य किया था, 20 साल में मिल गए। अब वेद विज्ञान लेकिन मिलवे कच्ची नहीं है, नौ कर्म है, 20 साल मुझसे कच्ची नहीं हो, 1% भलो नहीं होगा, तो फिर क्या करें? वेद विज्ञान करो, सम्यक दर्शन करा, आत्म कल्याण करना, इधर देखा मैं इधर की प्रेरणा करती, नौ कर्म से इधर लाती, जब इधर आते तो ये सुधर जाता है, ये सुधर जाता तो ये भी सुधर जाता है, मन वचन का सबल होती, संगठन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, जी बढ़ता जा रहा है, इधर अपन देखते रहो परिणाम सुधरे, इधर सब बढ़ते चले गए, मोक्ष हो जाता है। इतनी जल्दी बोल गए फटाफट पंडित जी 10 साल हो गए व्यापार में घाटा हो रहा, तो पता लग गया 10 साल की स्थिति अनुभव, स्थिति अनुभव हम क्या करें। पंडित साहब ने तो एक कहानी लिखी इसके लिए, वो क्या कहलाती है, छोटी कहानियां क्या है, लघु बोध कथा, उन्होंने कहानी लिखी है, उसका शिक्षा का सार ये है कि जब किसी के भयंकर पाप का उदय हो तो उसको पैसा नहीं देना, उनके 10 करोड़ का घाटा हो गया, और फिर उन्होंने 4 रिश्तेदार उसका हमें 25-25 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, तुम बिजनेस करेंगे, देखा होगा अक्सर, तो 4 लोगों ने 25-25 लाख दी, वो 1 करोड़ भी गया अब हम क्या करें, बिजनेस फेल हो गया, ट्रक में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई, जो घाटे में हो कभी उसे पैसा नहीं देना। लघु बोध कथा में एक कहानी है जिंदगी में, तो फिर उसे क्या करो, तो उन्होंने एक भैंस दी उनको या गैया दी, गैया दी, गैया भी नहीं थी पहले बकरी थी, बकरी वो 15 दिन मर गई, समझ गए पाप का उदय, फिर वो आया रोता रोता हमारी बकरी मर गई, तो फिर एक बकरी थी वो भी मर गई, फिर तीसरी बार भी ऐसे करा, फिर चौथी बार ले गया तो उसको पहली बार से एक बात कही थी, मंदिर आना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, भक्ति करना, तो तेरे कर्मों का आकर्षण आदि होगा, तो फिर करता था। तो इस बार पहली बार चौथी बार में जब वो ले गया ना बकरी, तो फिर 6 महीने तक रही वो, साल भर वो, फिर उसके बच्चे हो गए, बच्चे हुए, तो फिर वो आया कि साहब अब की बार उसके बच्चे हुए, ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा तो समझ गए अब इसकी उन्नति होने लगी, तो गाय थी ऐसे बढ़ा, अब बढ़ने लगा उसका, समझ गए अब उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया, घर दे दिया, हला कर दिया, व्यापार करा दिया, उन्नति हो, समझ आया। नौ कर्म से हमने तेरे द्रव कर्म का आइडिया लगा लिया, अभी पाप का होता है तुम ऐसे ही करोगे, देख लेना जिसके पाप भाव क्यों नहीं समझता, इतने बड़ी प्रवचन करके सुन के क्यों नहीं समझता, इतने अच्छे देश साज मिले फिर भी नहीं समझता, क्यों नहीं समझता, समझ गई तुमने पहले विराधना की, शुद्धात्मा की, ब्रह्मचर्य आसान नहीं है, कोई इतना थोड़ी कपड़े बदल दिए, सिर मुंडा लिया और ब्रह्मचर्य हो गया, जैसा हमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो ही भाव बिगड़ रहे, भाई वो उदय है, उदय धर्म कर्म के उदय से हमें भाव कर पता लग रहा है, पहले बहुत विराधना की है, और निश्चिंत रहो डरो नहीं, क्यों भाव कर्म भी अनंत नहीं है और द्रव कर्म भी अनंत नहीं है, ये सबकी सीमा है, लेकिन तेरे स्वभाव अनंत है, इसलिए अभी तू स्वभाव की महिमा कर, डर मत, ये विराधना हो रही हो जान दे, भाव आ रहे आ जान दे, भाव का पक्ष मत ले, बेकारी भाव का पक्ष मत ले, शुद्धात्मा का पक्ष ले, मिट जाए, मोक्ष नाम जाए तो हमसे ले लेना, अरे समय कसम ज्ञान चाहिए तो मोक्ष की पूरी विधि बता दी थी तेरे, और बंद अधिकार में से बता दी, न मोक्ष हो तो हमसे ले लेना, विकार से नहीं डरना, उदय से नहीं डरना, वो तो पहले का फल है, पता पहले तुमने शराब पी, अब हमारे प्रवचन सुनने बैठे, अब बदबू तो आएगी, अब क्या करे, वो नाक में से आएगी, वो तो होठों में, उस सांस में से बदबू आएगी, अब पुरानी बदबू के चक्कर प्रवचन नहीं सुनो तो क्या होगा, अब तुमने प्रवचन सुन लिया, समझ गए कि शराब नहीं पीनी, पंडित जी आज से त्याग, तो एक एक छूट गई बस, बड़ा पड़ेगी, क्या कहलाती, तलब पहलेगी, ऐसे होगा वैसा होगा, बहुत मजबूरी, बहुत तकलीफ, फिर से रिफॉर्म होगा बॉडी, तब जाकर के कुछ होगा, वो एक दिन में नहीं हो जाएगा, ऐसे मोक्ष मार बेटे नियम लोगे ना तो बहुत तकलीफ तो होगी थोड़ी थोड़ी, डरना नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आओ जितने आना है, मैं आत्मा हूँ, बदल जाएगा, क्योंकि वो अनंत नहीं है, अपन अनंत है, तब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव, इन 4 के आइडिया से अपन इधर का आइडिया लगाते हैं, अभी भी मैंने कुछ कहा नहीं है,
है तो बाकी देखता हूँ, यदि संभव हुआ तो शाम को लूंगा, नहीं तो संभव नहीं जा चलाएंगे। मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे मुझे इसमें। मैं अभी वो भाव पक्ष के दृष्टांत देना चाहता हूँ, वो कैसे पता लगे? ग्रंथों में सब है, इशारे तो सब है, लड़ाई हो गई और सब समझा रहे भाई क्षमा मांग लो, तुम्हारी गलती नहीं मांगी, अब 6 महीने तक नहीं मांगी, ये आईडिया उसका बंद का तो समझ लो आनंद आने लगती। फिर देखो आनंद संसार भोगना पड़ेगा, जी सोच लेते हो जी, आदमी भी मर के राख हो जाएगा और तुम भी चले जाओगे, शरीर तुम्हारा भी राख हो जाएगा, कागज तो मांगे आनंद अनुबंदी कर दे। अच्छा ठीक है क्षमा मांगे, चलो आनंद अनुबंदी नहीं इसलिए क्षमा मांग ली सर। मैंने एक एग्जाम्पल है देने के, 15 दिन की स्थिति वाली कसाएं होंगी तो समझ गए, अप्रत्यक्षान है अंतर्वर्ती में बैठ गई, प्रत्यक्षान है, ये सब तरीके उसके बताने के, ये भी तरीके से बताने के, लेकिन करना नहीं उसे है। मैं अभी भाव पत्र से बताना चाह रहा हूं, अपनी पकड़। अब इतने शब्द कह दिए इसमें समझ लो पकड़, क्यों? क्योंकि बंद की परिभाषा क्या है? बंद की परिभाषा शुभ शुभ परिणामों में आत्मा के उपयोग का रुकना, अशुभ शुभ शुभ परिणाम शुभ शुभ मोह राग द्वेष आदि में आत्मा के परिणाम माने उपयोग का रुकना। अब ये समझाना मेरा बाकी है, जितना समझाया तो 3 अनियोग से समझा दिया, लेकिन अभी भी मैं कोशिश करूंगा। देखो ये शाम तो मेरे लग गया उपयोग तो, क्योंकि ये सब नई नई मेहनत है मेरी, भाव जितना समझ में आता है उतना कहने में नहीं आता, ये मेरी मजबूरी, आपकी भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आप मेहनत करना इस पर, क्योंकि भाव बंद की तरह से चर्चा जिनागम में नहीं मिलेगी, इशारे से मिलेगी और इशारे से अपने को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगी वो चीज। जैसे लोग में नहीं होता वो गणित का सवाल आता है, बताओ उसने कितना रुपया उसे उधार दिया, इतने परसेंट की दर से इतने साल में इतना रुपया हो गया तो बताओ मूलधन कितना होगा, निकालो वो मूलधन। कैसे मूलधन माने भाव कर्म कितना कैसा होगा, और ये जरूरी है जानना। आपको कई बार खोटे भाव आते और बहुत जल्दी भेद विज्ञान कर लेते हो, ये खुशी की बात है, और भेद विज्ञान ही नहीं करते, क्या रही नहीं है, बिल्कुल पड़े रहते, सब कोई होते ऐसे भाव, समझ लो अनंत अनुबंधी। विकारों को लेट गो करना माने अनंत अनुबंधी, और विकारों को निपटाने के चक्कर में तुम तैयार हो उन्हें भिन्न देख रहे हो, ये अनंत अनुबंधी नहीं है। ऐसे नाप लो, एक इशारा तो कर ही दिया, इसी से शादी करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, अनंत अनुबंधी, मरने तैयार है, जाएगा इसी के साथ। नहीं भाई देखो हो जाए तो ठीक, उदय में हो तो ठीक, न्याय नीति की बात है, उदय में नहीं होगी जबरदस्ती तो कैसे हो जाएगी, अनंत अनुबंधी नहीं है इसका, अनंत अनुबंधी पकड़नी है इसकी, ऐसे पकड़ो एक एक पढ़ना, इशारे कर दिए फिलहाल तो। ओम नमः शिवाय।